हेलो स्वास्थ्य गुड मॉर्निंग हाउ आर यू बेटा हमारे बाकी बच्चे गायब हो गए हैं टिशू कल्चर किसी को नहीं पढ़ना है लग रहा है क्यों ऐसा एवरीवन हेलो वेलकम टू द चैनल वेलकम टू द लेट्स क्रैक सू वी टी चैनल आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय विजिबल येस येस आई एम विजिबल ओके, okay. सो so, हम लोग ये शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक मैंने लास्ट डे कराया था बट ड्यू टू सम इश्यूज वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो हम ये टॉपिक आपके लिए दोबारा कराते हैं एट द सेम टाइम आज हम आपको कुछ नई चीज़ें पढ़ाएंगे आपके लिए होगा टिशू कल्चर एंड वी विल डू सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड ए डी ए तो आज के हमारे पास तीन टॉपिक हैं वी हैव थ्री टॉपिक टुडे कैन नॉट ऐड आई कैन नॉट ऐड ओके okay, हम ऐड नहीं कर सकते हैं बात इतनी सी है तो मुझे ब्लैंक पेज ढूँढना पड़ेगा और वो हमें मिल गया है एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन ज्वाइन लाइव वो लाइव ज्वाइन कर सकें सेशन चलिए तो ये हम पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे मुझे फिर से पढ़ाना है इसे good morning good morning good morning so let me let me just share with them again and then we will talk about sorry Vachon. किसने किसने लास्ट डे टिशू कल्चर कर लिया है कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने टिशू कल्चर का ये वाला पेज पढ़ा हुआ है हमने लास्ट डे जो कराया था क्या आपने टिशू कल्चर किया है कर लिया है फिर भी एक बार करा देते हैं क्योंकि पार्ट फोर अवेलेबल नहीं है ठीक है बट क्विकली कराएंगे चलो देखो तुम लोग को कितनी चीजें याद हैं एक साथ आपका रिविजन भी हो जाएगा टिश्यू कल्चर क्या है टिश्यू कल्चर एक तरीके का बेटा हमारा मैथड है जहां पे हम एक साथ लार्ज अमाउंट में प्लांट बनाते हैं क्या करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट हमारे एक साथ बनते हैं ये हमारी एक खास चीज होती है कल्चर के साथ में और होता क्या है सपोज अगर कोई प्लांट है ये अगर आपका एक प्लांट है राइट इस प्लांट में एक पार्ट ले लेंगे इस प्लांट का जनरली इस प्लांट का हम लोग क्या लेते हैं मेरिस्टम लेते हैं क्या लेते हैं मेरिस्टम पार्ट लेते हैं और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम एक्स प्लांट बोलने लगते हैं एक्सप्लांट हमारा क्या है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द प्लांट टेकन आउट फॉर टिश्यू कल्चर फॉर टिश्यू कल्चर टीशू कल्चर के लिए हम जो पार्ट को निकालते हैं वो एक्सप्लांट कहलाता है ठीक है ये कुछ भी हो सकता है एक स्टेम हो सकता है जर्नली जनरली क्या होता है ये? जर्नली हम लोग क्या लेते हैं मेरिस्टम लेते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू लेते हैं है। मेरिस्टमैटिक में कौन सा एपिकल और एक्सलरी एपिकल एंड एग्जलरी मेरिस्टम लेते हैं रीजन ये इंफेक्शन फ्री होते हैं क्या होते हैं ये ये इंफेक्शन फ्री होते हैं ठीक है इवन नॉर्मल प्लांट्स की बात छोड़ दो अगर अगर आपका कोई ऐसा प्लांट है जो प्लांट एकदम खराब हो चुका है जिसमें डिसीज लग चुकी है तो उसका भी जो एक्जरी पार्ट होता है जो पार्ट होता है उसमें जनरली डिसीज नहीं होती है ठीक है फिर हम लोग करेंगे क्या ये जो एक्स प्लांट है इसको एक क्या करेंगे टेस्ट ट्यूब मिलेंगे एक्स प्लांट को हम लोग डालेंगे इसके अंदर बाकी कल्चर मीडियम डाल देंगे कल्चर मीडियम में इसको ग्रो कराएंगे एक्स प्लांट को इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या क्या हो गया इट विल कंटेन सुक्रोज सुक्रोज एज अ कार्बन सोर्स का काम करेगा क्योंकि कार्बन चाहिए ना फिर हमारी विटामिन होंगी अमाइनो एसिड होगी और हमारे पास क्या होगा ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन पी होंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मेनली ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन का कंसंट्रेशन हम बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन हमें रूट और शूट में से क्या पहले बनाना है ठीक है ये होता है अब इसमें थोड़ा टाइम छोड़ने के बाद क्या होता है बेटा कि आफ्टर पॉइंट इसी में से इसी में से हमारा एक ऐसा कैलस टाइप का निकलता है कैलस बन जाता है कैलस फॉर्मेशन मतलब छोटे छोटे टिश्यू हो जाते हैं बट टिश्यू का कोई शेप नहीं आ रहा आता कोई फंक्शन नहीं आता उनको हम कैलस बोलने लगते हैं कैलस फॉर्मेशन ठीक है कैलस क्या है मैंने आपको बोला था समझलो एक मोती का लड्डू है और हाँ बाकी फेवरेबल कंडीशन बाकी चीजें तो होगी और बाकी हमने क्या बोला था कैलस समझ लो एक मोती का लड्डू है छोटे छोटे मोतियों से बना है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे जो आपका कैलस है हमने लास्ट डे पढ़ाया था चलो यहीं पर पढ़ा देते हैं फिर से ये देख रहे हो ये जो कैलस है कैलस का एक छोटा 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 पोर्शन हम लोग निकाल के क्या करते हैं छोटे छोटे पॉट होते हैं है ना जैसे चाय का कप भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं प्लास्टिक वाला जो है उसमें मिट्टी डाल के इसी में से थोड़ा 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 एक 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 एक, -एक, -एक सब में डाल देते हैं ठीक है उसके बाद क्या करते हैं इन प्लांट्स को अभी तक की सारी प्रोसेस लैब में हो रही थी फिर इन प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं कैलस फॉर्मेशन के बाद इनको इसी में डाल के इनको फेवरेबल कंडीशन देते हैं इनको थोड़ी बहुत लाइट भी देते हैं फिर ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू होते हैं इसमें छोटे 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 प्लांट निकलना शुरू होते हैं तो हमारी प्लांटलेट बन जाती है क्या हो जाती है यहाँ से कैलस से फिर अल्टीमेटली प्लांटलेट बन जाएगा फिर प्लांटलेट के बाद हम लोग क्या करेंगे वो जो भी प्लांटलेट है सपोज कि आपका ये प्लांटलेट है इसके बाद एक साथ इससे बहुत सारे प्लांट निकल जाएंगे सपोज कि एक कैलिस से हजारों पेड़ एक साथ बना रहे हैं सौ पेड़ डेढ़ सौ पेड़ तो एक साथ बहुत सारा प्लांट बनता है तो इसको बोलते हैं माइक्रो माइक्रोप्रोपागेशन वट इज माइक्रो माइक्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है ये ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं थाउजेंड ऑफ प्लांट को एक साथ बना लेते हैं फ्रॉम अ एक्स प्लांट देखो एक हमने छोटा सा टिश्यू लिया था और उससे हमने इतने सारे पेड़ बना लिए तो उसको माइक्रो माइक्रोप्रोपागेशन बोलते हैं एट द सेम टाइम एक और टर्म आता है टोटी परसेंटीज टोटी टोटी का मतलब होता है होल होल का मतलब फुल प्लांट वो बोलते हैं कि अगर मान लो हमने एक छोटा सा टिश्यू लिया था एक लीव का टिश्यू हो सकता है रूट का टिश्यू हो सकता है कुछ भी हो सकता है उस एक टिश्यू के अंदर हमारे पास या एक्स प्लांट के अंदर हमारे पास एक छोटा सा छोटा सा पार्ट भले होता है बट उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि पूरा पूरा प्लांट को जनरेट कर देती है दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है माइक्रो प्रोपेगेशन टोटी पोटेंशियलियलियलियलियल टोटी इज द एबिलिटी ऑफ अ टिश्यू और एविलबिलिटी ऑफ द प्लांट और इन शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ अ एक्स प्लांट टू जर्मिनेट इन टू द होल प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंशियल एंड माइक्रो प्रोपेगेशन इज वॉट प्रोपेगेशन इज एबिलिटी ऑफ एन एक्स प्लांट और एबिलिटी ऑफ एन टिश्यू और एनी पार्ट पार्ट टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एट इन वन टाइम ठीक है और वो सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं एक ही टिश्यू से बने होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कुछ हुआ नहीं रहता क्योंकि दो प्लांट भी नहीं मैच हुए रहते हैं तो उसको सोमा क्लोन्स बोलते हैं क्यों क्योंकि सोमेटिक सेल्स बना है और वो सारे के सारे आपके क्या हैं क्लोन हैं एक दूसरे से एग्जैक्ट कॉपी हैं ठीक है तो एग्जैक्ट तो टिश्यू कल्चर के दो तीन प्रॉफिट हैं जब हमें एक जैसे पेड़ बनाने होते हैं तो भी टिश्यू कल्चर कर सकते हो हमें एक जैसे पेड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हैं जैसे कि हमें ये ऑर्नामेंटल प्लांट हैं वो एक साथ शादी उदी में कितने सारे लगते हैं तो नॉर्मली अगर आप प्रोड्यूस करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग टिशू कल्चर के थ्रू बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना लेते हैं बाकी बनाना हो गया टोमेटो हो गया पोटैटो हो गया ये सारी चीज़ें भी हमारे कल्चर के थ्रू बनती हैं लेकिन कभी कभी हमारी डिमांड थोड़ी अलग हो जाती है अगर हैप्लॉयड टिश्यू हेप्लॉयड है डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड अगर हमें प्लांट बनाना हो तो पॉनग्रीन को यूज कर सकते हो डिप्लॉयड बनाना है तो कुछ भी यूज कर लो ट्रिप्लॉड बनाना बनान पी सी यूज़ कर लो ठीक है ये हम लोग लास्ट डे किए है हुए हैं एडवांटेज इसके क्या क्या हैं कि एक साथ हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं क्लोन फॉर्मेशन कर सकते हैं तीसरा है ना आ, कोई एक मुझे और पॉइंट बताएगा अभी मैंने बोला था एक और प्रॉफिट जल्दी बताओ जल्दी बताओ जिसने लास्ट डे फिर शांति सुना था बताओ बेटा अगर कोई भी प्लांट है जिसमें कि की कीड़े लग गए हैं तो उ, तो उस प्लांट को हम सेव कर सकते हैं क्योंकि पूरा पेड़ अगर भरी खराब हो गया बट तो ऊपर का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो आपका सही होगा वो नहीं खराब हुआ होगा ठीक है हाँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां से उस प्लांट को हम लोग उस प्लांट को हम लोग रिकवर कर सकते हैं रिकवरी ऑफ डिसीज प्लांट इंटू न्यू इन्फेक्शन फ्री प्लांट समझे बस हाँ तो एक चीज़ हो डिसडवांटेज क्या इसमें वेरिएशन नहीं आ रहा है ठीक है एक ही करैक्टर अब वहाँ आ जाते हैं तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है जहाँ पे हमें दो प्लांट के करैक्टर चाहिए तो दो प्लांट लो और दोनों प्लांट के सोमैटिक सेल निकाल लो उनका सेल वॉल रिमूव कर दो सेल वॉल रिमूव करके जो प्रोटोप्लास्ट बच्चे उसको फ्यूज़ करा दो नया प्लांट बना लो यही है इस केस में क्या होता है इस केस में दोनों प्लांट के करेक्टर्स में आते हैं तो ये हमारा एक तो ये हमारा एक एडवांटेज हो जाता है इसका ठीक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास दो प्लांट के करेक्टर आ रहे हैं डिजायर्ड प्लांट के और हमारे पास टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है एक ही प्लांट के आ रहा है बट ह्यूज नंबर में बन रहा है ठीक है इनके सबके डिसएडवांटेज क्या है वही कि वेरिएशन नहीं आएगा और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें डिजायरेबल करेक्टर के साथ साथ अनडिजायरेबल करेक्टर भी आ सकता है और उसका एडवांटेज क्या है उसका एडवांटेज है कि आप बीटी क्रॉप बना लो क्योंकि बीटी क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जिसके अंदर कि आपके सिर्फ और सिर्फ हम जो चाहेंगे वो करेक्ट आएगा देखो तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए आसेक्शुअल रिपोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हाइब्रिडाइजेशन टिशू कल्चर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बी टी क्रॉप हर किसी का हर किसी का हर किसी के एक ड्रॉबैक हैं सबसे जो इस वक्त तो टॉप पे है वो बी टी क्रॉप है बट बी टी क्रॉप पर भी अपने ड्रॉबैक हैं ठीक है आ सेक्शुअल का क्या है एडवांटेज क्लोन बनता है जो भी सारे एडवांटेज सेक्शुअल प्रोडक्शन के हैं वो आपके टिश्यू कल्चर के भी हैं ठीक है एक एक्स्ट्रा एडवेंटेज एडवांटेज है वो है कि आपका एक साथ बहुत सारा प्लांट बनना ठीक है बट उनमें असेक्शुअल में भी क्या था वेरिएशन नहीं आता टिश्यू कल्चर में भी नहीं आ रहा है सो so, मैं नॉर्मल जो भी प्लांट जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक सेक्शुअल हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं वो सेम हमारे प्रॉफिट आ जाएंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के भी और सेम डिसएडवांटेज भी उसमें भी हमारे डिजायरेबल करेक्टर के साथ साथ अनडिजायरेबल करेक्टर जाता था इसमें भी जाएगा ठीक है यही चीज़ें हैं बी क्रॉप एक ऐसा है जिसमें कि हम जो चाहें वो जीन पिक करें जो चाहें वो करेक्टर जाए कंट्रोल्ड बट उसके डिसएडवांटेज क्या है कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बीटी क्रॉप या बीटी बीटी वाले का क्या क्या डिसएडवांटेज है बीची प्लांट्स के क्या डिसएडवांटेज है बच्चों बीटी प्लांट्स को क्या डिसएडवांटेज हैं एनी मैंने कराया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज है चलो कमेंट सेक्शन बताते रहे हम ये रीड एक बार कर दे रहे हैं इसको आप देख लो ये देखो ये बोला गया कि एक एडिशनल एक एडिशनल हमारी क्या है एक एडिशनल टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम जो भी डिमांड होती है कि एक साथ बहुत सारे प्लांट फास्ट आ, मतलब एक साथ बहुत सारे प्लांट चाहिए इफिशियंसी के साथ बहुत फास्ट हम लोग क्रॉप बना सकते हैं वो टिश्यू कल्चर इसको बोलते हैं इसमें ये कब डेवलप हुआ था नाइन्टीस फिफ्टीज में इस चीज को याद रखना फिफ्टी में तो हमारा डी का डबल हेल्कल मॉडल आया था फिफ्टीज में इसको याद रखना ईयर याद रखना क्योंकि ईयर यहाँ पे मैंशन है ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पूरे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं छोटी सी प्लांट के टुकड़े को लेकर जिसको एक्सप्लांट बोलते हैं एक्सप्लांट क्या बोला एक्सप्लांट का डेफिनेशन दिए कि कोई भी प्लांट का पार्ट जो कि हम बाहर टेस्ट्यूब में ग्रो करके और स्ट्राइल कंडीशन में स्टाइल कंडीशन ग्रो करेंगे तो गंदगी और हमारे साथ मा, माइक्रोब्स भी ग्रो हो जाएंगे पेड़ को वैसे ही खराब कर देंगे ठीक है स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम यही आपको बोला है कि ये जो कैपेसिटी होती है पूरे प्लांट को बनाने का एक किसी सेल में या किसी एक प्लांट में इसको टोटल पोटेंशियल बोलते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप आगे पढ़ोगे है ना हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे वही बोलता है कि यहाँ पे लेकिन हमें ये चीज़ समझने की जरूरत है जो न्यूट्रेन हम लोग देते हैं मीडियम देते हैं उसके अंदर कार्बन सोर्स, चाहिए, सोर्स होना चाहिए कार्बन सोर्स में सुक्रोज होना चाहिए सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है इर्गोनिक सॉल्ट्स विटामिन अमाइनो एसिड और पी में ये दे देंगे और यही हमें बोला कि एक ऐसे मेथड के अपलीकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा हमें बहुत लार्ज नंबर में आपका क्या मिलेगा प्लांट मिलेगा बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ठीक है हम थाउजेंड ऑफ प्लांट बना सकते हैं ये टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है ठीक है और ये आपको बोला गया इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रो माइक्रोप्रॉपगेशन क्योंकि थाउजेंड ऑफ प्लांट हम एक छोटे एक बार में शॉर्ट टाइम में छोटे से टिश्यू से बना सकते हैं ठीक है और जो कि जेनेटिकली एकदम सेम होगा ओरिजिनल प्लांट से इसी वजह से इनको हम सोमा क्रोन्स बोलते हैं देखो याद रखना सोमा क्रोन्स हमारे टिश्यू कल्चर में बन रहे हैं सोमा सोमाक्रोन्स हमारे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वाले में नहीं बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन वाले में क्योंकि वहाँ पे दो सेल फ्यूज़ कर रही हैं तो वहां पे हमारी क्लोन नहीं बनेंगे वहाँ वेरिएशन आ सकता है यही आपको बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखो टोमेटो टीवी हमने बोला था टोमेटो पोटैटो एप्पल ये हमने ऑलरेडी बना चुका है इनका कॉमर्शियल सेल भी हो रहा है ठीक है और अभी आपको बोला गया आप आसपास के लैब में विजिट करो अच्छे समझने के लिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट बोला गया है कि हम रिकवरी कर सकते हैं एक हेल्दी प्लांट का फ्रॉम अ डिसीज प्लांट ठीक है ये बोला गया अगर प्लांट पूरा इन्फेक्टेड है फिर भी जो उसका मेरेस्टमेटिक होता है पिकली एक्सलरी वो हमारा वायरस फ्री होता है इसलिए आप उसको रिमूव कर सकते हो और अल्टीमेटली इन बेट्रोल लैब में ग्रो कर सकते हो वायरस फ्री ठीक है यही हमें बोला गया है और ऐसे हमारे पास क्या क्या दिए गए बनाना शुगर केन तो तुम्हारे पास बी एस पी टी वी है ये दो तुम्हारे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं टोबा सॉरी टोबैको बोल रहे हैं टोमेटो बनाना एंड एप्पल एंड योर बनाना शुगर केन एंड पोटैटो इसको जैसे मर्जी वैसे याद रख सकते हो इसको कैसे याद रखोगे टोमेटो बनाना एप्पल देखो टोमेटो पोटैटो याद रखो ये ये सारे हमारे इसके हैं टिश्यू कल्चर के हैं टोमेटो पोटैटो याद रख ही सकते हो बनाना कॉमन ही है एप्पल और शुगर केन अलग से याद रख लो ठीक है टोमेटो पोटैटो टोमेटो आलू टमाटर के वो जो कचालू बनते हैं उसके साथ लोग शुगर केन का जूस पीते हैं तो उससे याद रखो ठीक है नो क्लोनिंग या वेरी गुड मिशकी तुमने लास्ट डे क्लास किया होगा तो कुछ ज़्यादा नहीं लॉस हुआ है हमने अभी पिछला ही रिवाइज़ कराया तो वही बोला कि साइंटिस्ट ने ही बोला कि एक सिंगल सेल को प्लांट से निकाल लेते हैं और उनकी सेल्वल को डाइजेस्ट करके और उनके प्रोटोप्लास्ट को नेकेड कर लेते हैं ठीक है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है उसके बाद प्रोटोप्लास्ट को क्या करते हैं दो अलग अलग वैरायटी से उठा के फ्यूज़ कर देते हैं फ्यूज़ करने के बाद उनमें क्या होता है उनमें आपका अल्टीमेटली दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं उनको सोमेटिक हाइब्रिड्स बोल देते हैं इस प्रोसेस में आपको बोला गया सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं एक ऐसे सिचुएशन के यहाँ पर एक एग्जांपल हुआ था तो उन्होंने क्या किया था टोमेटो तो और पोटैटो का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया था सोचा था कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे नीचे में आलू उगेगी ऊपर में टमाटर बट ऊपर में आलू की पत्ती आ गई नीचे में टमाटर की रूट तो इस वजह से वो एक फेल था पोमेटो पोमेटो तरीके का आपका फेलियर है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का ठीक है नेक्स्ट आते हैं आगे आ, अच्छा अब आते हैं कि कौन इसके बहुत सारे हैं जो हमारे पास साइकोलॉजी का एग्ज़ाम था क्या करते हैं साइकोलॉजी में माइंड रीडिंग स्किल ऐसा कुछ नहीं है कोई माइंड रीडिंग स्किल नहीं है अच्छा ये आपको बोला गया कि फिर आगे तो हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीएमओ वी हैव डन इन पार्ट अदर पार्ट्स ठीक है इनऑर्गेनिक सॉल्स देखो यहां पे लिखा है ये वाली स्लाइड से नोट डाउन कर लेना जिसको नोट डाउन करना होगा चलिए यह भी हो चुका है यह भी, भी हो चुका है ये भी हो चुका है जीन थेरेपी से आज शुरू करना है जीन थेरेपी कुछ क्वेश्चंस लेकिन सोच रहे उसके पहले पूछ ले तुम तो मुझसे फिर जीन थेरेपी करें आज हमारा लास्ट है ना शायद ये आज क्या क्या बचा हुआ है जीन थेरेपी बचा हुआ है हमारे पास मोलिकुलर नो 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 मोलिकुलर डायग्नोसिस बचा हुआ है और ट्रांसजेनिक एनिमल ये तो बहुत छोटू सा टॉपिक है वैसे में चैप्टर आज खत्म कर सकते हैं एथिकल इश्यूज हैं इसमें कुछ भी दम नहीं है बट क्वेश्चंस बहुत आते हैं बाय पायरिसी बायर पटेंसी टाइम कितना हो रहा है टू इलेवन आई है फोर्टी फाइव मिनट्स कूल इसको ख़त्म करते हैं आज ठीक है सो आज ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं हम लोग कोशिश करके और फिर ये अपना फिर नेक्स्ट हम लोग कुछ और लाते हैं नहीं नहीं कॉल लेने का प्लान अभी तो नहीं है बस एक्चुअली एक और लेना नहीं पड़ता आ, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें लगभग लगेंगे एक घंटे और मेरे पास सिर्फ 45 फाइव मिनट्स क्योंकि मेरी तीन बजे एक मीटिंग है और वो शिफ्ट नहीं होगी तो कोशिश कर लेते हैं तीन बजे तक ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है नहीं तो कोई आधे घंटे बीस मिनट का कुछ सेशन डाल देंगे वैसे ख़त्म हो जाएगा इतना क्या है जीन थेरेपी जीन थेरेपी में क्वेश्चन नहीं कराते क्वेश्चन बाद में कर लेंगे जीन थेरेपी इस पर एक मेंटी करते हैं आजकल में हाँ ठीक है तो ये चीज़ है नहीं 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 तीन बजे हम तुम लोग को एकदम छोड़ देंगे तुम लोग टेंशन मत लो ठीक है सो so, जीन थेरेपी देखो यहाँ पे क्या होता है जीन थेरेपी हम थोड़ा सा एक बार के लिए बता देते हैं कि हुआ क्या था इन शॉर्ट फिर हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं जीन थेरेपी पढ़ने के पहले थोड़ा सा हमें एडीए पढ़ना पड़ेगा क्या बोलते हैं एडीए एडिनोसियन डाईमिनिज डिफिशियंसी डिफी सी एन सी देखो एडीए डिसीज नहीं है एडीए डिफिशियंसी डिसीज़ है इसकी वजह से कॉज होता है एससीआईडी सीवियर कंबाइंड इम्यून अब ये है क्या एडीए हमारा होता है एडिनोसिन एडिनोसिन ये एक एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून सिस्टम के लिए इम्यून सिस्टम के लिए इम्यून सिस्टम के लिए, लिए. ठीक है तो जब भी अगर क्या होता है हमारा एडी एन एडिनोसिन डाइमिनिज जो हमारा एंजाइम है अगर इसकी कमी होती है तो हमारा क्या होता है इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगता है ठीक है अब इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप होने लगती है जब हमारी इम्यूनिटी नहीं अच्छी तो हमें दुनिया जहाँ की बीमारी हो जाएगी तो उसकी वजह से बहुत सारे सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम मतलब कि फिर तुम्हें कुछ भी हो सकता है मतलब यहाँ तक कि तुम्हें जुकाम हो गया तो जीवन भर ठीक नहीं होगा ठीक है तो क्योंकि हमारा सही से है ही नहीं है मतलब थोड़ा बहुत इतना समझ लो कि जिसको एड्स का एकदम लास्ट एकदम लेटर वाला स्टेज वैसे ही हमारा एस हो जाता है दुनिया जहाँ की चीज़ें हो जाती हैं ठीक है तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है इम्यून सिस्टम इसकी वजह से मेनटेन करता है तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे इंसान होते हैं ठीक है जिनकी सेल में ये आपका एक सेल होता है लिम्फोसाइट है ना लिम्फोसाइट की लिम्फोसाइट के सेल में इनका जीन होता है है ना बट ये जीन गलती से कभी कभी डिलीट हो जाता है या म्यूटेट हो जाता है तुम्हारे में शायद सिर्फ डिलीट दिया है डिलीट दिया हुआ है ठीक है ये जीन डिलीट हो गया जीन डिलीशन की वजह से क्या हुआ जीन डिलीशन की वजह से आपका जो ए डी ए एनजाइम है उसमें कमी हो गई या फिर बना ही नहीं तो होता क्या है इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है अब इसके दो तीन चीजें हैं ठीक है ठेके? इसको सॉल्व करने के लिए तीन तरीका है क्योर इसका तीन है सबसे पहला क्योर है बोन मैरो replacement एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट बोन मैरो रिप्लेसमेंट एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट ये दोनों में क्या होता है देखो अगर हमने एंजाइम ही नया डाल दिया जिसकी वजह से कमी थी वो फुलफिल हो गया है ना इट्स लाइक कि खाने में भाई चीनी कम है खीर में तो मम्मी ऊपर से चीनी डाल दी हो गया मेटा काम खत्म ठीक है नेक्स्ट बोन मैरो बोन मैरो क्यों बोन मैरो को रिप्लेस करने से क्या फ़ायदा होता है क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही हमारी सेल्स बनती हैं बी सेल हो या टी सेल हो फॉर्मेशन सारी की सारी का हमारा बोन मैरो में ही होता है मैचुरेशन भले किसी किसी का थाइमस में हो जाता है तो अगर हमने बोन मैरो रिप्लेस कर दी मतलब अंदर की सारी सेल ही रिप्लेस हो गई ठीक है तो ये दोनों हमारी हो जाती हैं लेकिन ये कंप्लीट क्योर नहीं होती हैं नॉट अ कंप्लीट क्योर ये सही तरीके से इंसान को नहीं ठीक कर पाती हैं नॉट अ कंप्लीट क्योर कंप्लीट नहीं होती परमानेंट की बात ही छोड़ो तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि फिर हम लोग एक आते हैं जीन थेरेपी पे जीन थेरेपी पे जीन थेरेपी क्या है कंप्लीट क्योर है ये सही कर देता है बट परमानेंट तभी होता है जब इम्रॉनिक स्टेज पे कर दिया जाए कंप्लीट क्योर बट परमानेंट ली इफ डन इन इमोनिक स्टेज अगर ये इमोनिक स्टेज में कह जाता है तभी ये हमारा ठीक होता है ठीक है अब जीन थेरेपी करते कैसे जीन थेरेपी बहुत आसान है ठीक है कैसे होता है सपोज कि जो भी इंसान है ठीक है जीन थेरेपी में क्या होगा जीन थेरेपी में ये होगा बेटा कि जो भी इंसान है जो डिसीज पेशेंट है उसके लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ठीक है एक हेल्दी पर्सन है उसके लिम्फोसाइट से ए का जीन निकाल के इसमें डाल देते हैं फिर लिम्फोसाइट को दोबारा से उस इंसान के बॉडी में डाल देते हैं यही होता है ठीक है कि लिम्फोसाइड को निकालो जीन को बदल के जीन उसमें सही जीन डाल दो और सही जीन डालने की वजह से फिर आपका सिस्टम अपना सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट 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 आइए पढ़ते हैं यही बोला है कि अगर कोई एक इंसान है जो एक हेडिटेड डिसीजें से उसको हम करेक्ट कर सकते हैं जीन थेरेपी से नहीं कैन बी करेक्टेड थेरेपी कैन बी टेकन देखो देखोटी हेडिटेड डिसीज का मतलब क्या है कि जीन में डिफेक्ट है क्योंकि हमें माँ बाप से हमें जीन ही मिलता है और जीन का डिफेक्ट मतलब जीन से हम लोग सही कर सकते हैं तो जीन थेरेपी आपको बोला एक ऐसा अटेम्प्ट है जो ठीक किया जा सकता है जिन जीन थेरेपी से हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम डिफेक्ट जीन को ठीक करते हैं अगर बच्चे में पता चल गया चाइल्ड और इम्रायो में ठीक है यही आपको बोला गया है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें इसमें हम लोग इंसर्ट कर देते हैं हेयर जो जीन्स हैं उनको उठा के इंसर्ट कर देते हैं ऐसे पर्सन के सेल में टिश्यू में जिनके बीमारी में ठीक करनी है ठीक है तो वही बोला कि जैसे ही हमारा जेनेटिक डिफेक्ट अगर ठीक हो जाता है ये बोला गया है कि करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इन टू द इंडिविजुअल और द द्राइव टेकिन ओवर द फंक्शन ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द नॉन फंक्शनल जीन ये क्या बोल दिया गया ये बोल दिया गया बहुत सिंपल सी चीज़ है ये आपको ही पता है कुछ नहीं है हमें बोला गया है कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई जीन में प्रॉब्लम है तो उसको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो जो डिफेक्टिव जीन है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक सही जीन से जो कि फंक्शनल है मतलब नॉन फंक्शनल जीन से या फिर डिफेक्टिव जीन को उठा के हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इफेक्टिव जीन या फिर जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल जीन उसी को उठा के इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट बाई मैं जेनेटिक डिफेक्ट सही करना है तो इसके अंदर में डिलीवरी करना डिलीवरी क्यों भे, भे, मतलब भेजना पड़ेगा किस चीज को नॉर्मल जीन को क्यों क्योंकि भाई नॉर्मल जीन नहीं भेजेंगे अब नॉर्मल तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी है तो ठीक कैसे होगा किसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर मतलब जिसके अंदर प्रॉब्लम है अगर वो बड़ा हो चुका है तो या फिर इम्रियनिक स्टेज में भी से जेनेटिक डिसऑर्डर पता चल जाते हैं तो वहां पे भी कैसे उसको टू टेक ओवर है ना नॉर्मल जीन को भेजेंगे जिसकी वजह से जो फंक्शन है उस जीन का वो कंपनसेट हो सके क्योंकि जो पहले जीन था वो काम कर नहीं रहा था तो अगर हम नॉर्मल वाले को भेजेंगे तो वो काम करेगा ठीक है ऑब्वियस सी बात है जैसे सपोज अगर मान लो किसी ने मेरे को बोला कि ये काम करने के लिए किसी को भेज दो मेरे घर में अब हमने जिसको भेजा या फिर नहीं भेजा या उसके घर में कोई इंसान है जो काम नहीं कर रहा है है ना तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें उस चीज़ को रिप्लेस करना है तो एक सही वाले से फंक्शन वाले से रिप्लेस करना पड़ेगा इट्स एज सिंपल एज दैट इतना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जेनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है आपके लिए अब आप बच्चों वाली चीज़ जाइए वही बोला है कि सबसे पहला जो कि जीन थेरेपी किया था नाइनटीन में किया था फोर यहाँ पे देखो दो ईयर आ गए तुम्हारे एक चार साल की बच्ची में जिसमें हम एडनोसिन इन टाइम इन इस को ठीक किए थे ये इंसाइन बहुत ज़्यादा क्रुशियल होता है इम्यून सिस्टम को फंक्शन रखने के लिए ये 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 बीमारी तब होती है जब हमारा ए का जीन और डिलीट हो जाए कुछ बच्चों में एजियो डिफिशियंसी हमारी क्योर कैसे की जा सकती है बोन में ट्रांसप्लांटेशन से कुछ में ये एंजाइम रिप्लेसमेंट से लेकिन उसमें क्या करते हैं फंक्शनल एड आई डाई देखो जीन नहीं यहाँ पे ए ए बोला गया मतलब एंजाइम को हम लोग क्या करेंगे इंजेक्शन से दे देंगे लेकिन प्रॉब्लम दोनों के साथ ये है कि ये कंप्लीटली क्योर नहीं करता इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि कौन सा वॉट इज द प्रॉब्लम विद द जीन थेरेपी सॉरी सॉरी बोन में प्लांट ट्रांसप्लेन एंजाइम रिप्लेसमेंट वही बोला गया इसके लिए हम लोग जीन थेरेपी उसका अल्टरनेशन है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं लिम्फोसाइट्स मैंने कुछ और लिखा क्या नहीं से लिखा है लिम्फोसाइट की जो सेल है वो ब्लड से हम लोग निकाल लेंगे पेशेंट का और बाहर कल्चर मीडियम में ग्रो करा देंगे फिर उसके अंदर फंक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट्री डी ठीक है क्यों क्योंकि सी डी ए नहीं होगा तो वर्क कैसे करेगा यूजिंग रेट्रो वायरस क्यों क्योंकि अगर आप नहीं यूज करोगे तो बॉडी के अंदर डालोगे कैसे ठीक है प्लांट के अंदर डालना होता है मैग्रोवेटर यूज करते हैं एनिमल के अंदर डालना होता है रेट्रोवेक्टर यूज करते हैं तो उसको हम लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और आपके पेशेंट में दोबारा उसको दोबारा से नॉर्मल करके फिर भेज देते हैं ठीक करके जैसे अगर आपके किसी लैपटॉप का कोई पार्ट खराब है या आपका कैमरा खराब है कुछ भी खराब है आपके यहाँ पर तो आप क्या करते हो तो उस पार्ट को निकाल के देते हो बनाने वक्त देते हो बना के ले आते हो तो तुम उसको फिर से उठा के सेट कर लेते हो वही सेम चीज़ यहाँ पे कि लिम्फोसाइट को निकाला बाहर रखा फंक्शनल से उठा के उसको ठीक कराए उसके बाद दोबारा से उठा के पेशेंट की बॉडी में डाल दिया वही बोला गया है कि लेकिन जो सेल्स होती हैं वो मॉडल नहीं होती हैं कुछ दिन में वो सेल मर जाती हैं जो नई सेल आती उनमें फिर से प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उसका

वो आ जाती है हमारी जीन थेरेपी बट एट अडल्ट स्टेज एक आ जाती है हमारी कंप्लीट क्योर एलॉन्ग विथ परमानेंस कि भाई बाद में कोई इशू नहीं है जीन थेरेपी वेन इट इज़ डन इन इम्यूरो स्टेज क्या ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं ये तीन चीज़ें यहाँ से चार ही क्वेश्चन आते हैं कि किस एंजाइम की डिफिशेंसी होती है कब कंप्लीट और परमानेंट है कब कंप्लीट है बट परमानेंट नहीं है कब कंप्लीट क्योर नहीं है और तीसरी चीज़ आ जाती है कि किस ईयर में हुआ था किस बच्चे में हुआ था फर्स्ट जीन थर पे किस में हुआ था और यहाँ से कुछ है नहीं और क्या और एस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया नहीं इसको याद रखना बट आता है मोलिकुलर डायग्नोसिस पे अगर हम आते हैं तो यही आपको बोला गया कि आपको पता है कि जो भी इफेक्टिव अगर ट्रीटमेंट चाहिए किसी बीमारी की तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है है ना जिससे कि जो भी हमारा पैथोजन है उसकी आ, उसको हम समझ सकें तो वही बोला है जो हमारा पुराना मेथड था डायग्नोसिस जो यूरिन था या स्पम एनालिसिस स्पम एनालिसिस बोल रहे हैं <laughs> ठीक है सीरम एनालिसिस उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो डिटेक्शन को बहुत लेट में करता था तब तक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती थी तो हम क्या करते थे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती थी ठीक है ये आपको पता है कि ब्लड टेस्ट बहुत बार क्या होता है कि तुम्हें कोई बीमारी है डॉक्टर के यहाँ तुम गए डॉक्टर पहले ही पूछता है कितने दिन से बुखार है तुम बोलोगे अभी कल ही आया तो क्या करेगा अच्छा एक बार टेस्ट कराना तो करा लो लेकिन एक काम करो ये दवा लो जाओ खाओ अगर नहीं ठीक होना तो ये टेस्ट करा के आके दोबारा दिखाना ठीक है कभी कभी यार टेस्ट कराते भी हो तो भी उस टाइम पे नहीं निकलता फट बट बुखार सही नहीं होता फिर तीन बार चार दिन बाद कराओगे ठीक हो जाएगा क्यों क्योंकि जब अर्ली स्टेज में आपने टेस्ट कराया था तो उस वक्त इतना कम नंबर ऑफ़ पैथोजन थे आपके ब्लड में कि डिटेक्ट ही नहीं हो पाए तो ब्लड और यूरिन सैंपल हमारा एक कन्वेंशनल मैथड है लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे डिटेक्शन को नहीं करा पाते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं अभी हमें बोला गया है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है अब देखो इसमें एक हमारा पीसीआर हो गया ये सारे हमारे नए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर हो गया एंजाइम लिंग एलिसा एन एलिसा हो गया ये हमारे कुछ हैं जो हमारे अर्ली डायग्नोसिस को बेटर करते हैं ठीक है पी तो बहुत सिंपल है चलो आइए देखते हैं तो वही बोला अगर कोई पैथोजन है बैक्टीरिया है वायरस है नॉर्मली सस्पेक्ट तभी होते हैं जब ये कोई सिम्टम प्रोड्यूस करें ठीक है इस टाइम तक कंसेंट्रेशन पैथोजन का इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका मतलब प्रॉब्लम होने लगती है इंसान को फिर ठीक करने में दिक्कत होती है लेकिन जब लो कंसेंट्रेशन होता है बैक्टीरिया वायरस का तो उस टाइम पे हमारे सिम्टम पता ही नहीं चलते हैं तो वही बोला गया है तब हम क्या कर सकते हैं एम्पलीफाई करके बाई पीसीआर से हम लोग पता कर सकते हैं ठीक है ये क्या चीज बताया गया हाँ, ये आपको बोला गया है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर डिटेक्ट वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डी एन ए आपको बोला पीसीआर कैसे पीसीआर क्योंकि करता क्या है पीसीआर हमारा एक तरीके का आर्टिफिशियल रेप्लीकेशन है अगर आपको पता हो तो क्लोनिंग का एक तरीका है इन विट्रो क्लोनिंग है अगर किसी का नंबर एक होगा मान लो एक बैक्टीरिया है वो एक है या वायरस है वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए वायरस है अब ये इसको 30 मिनट तुम छोड़ दो एक बिलियन कॉपीज की बना देगा और भाई एक बिलियन कॉपी तो हमें दिख ही जाएगी ठीक है तो नंबर बढ़ा के फिर दिख जाता है यही चीज़ होती है जैसे अब आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दें मतलब जैसे आपको कोई चीज़ है जो सही से नहीं दिख रही है आप जूम कर लेते हो साइज उसका इंक्रीज हो जाता है तो आपका क्या होता है विजिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे साइज नहीं यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ठीक है तो बस यही यहाँ पे कहानी है एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट यह आप ऑलरेडी कर चुके हो पीसीआर हमारा नॉर्मल रूटीनली डिटेक्ट हो चुका है एच आई वी सस्पेक्टेड पैटर्न एच आईवी सड एड्स पेशेंट्स में ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा पीसीआर देखो तुम्हारी मेंशन है ये एच आई वी वाला आता है तुम्हारे में दो तीन ऑप्शन दिया रहता है एलिसा दिया रहता है पीसीआर दिया रहता है पी सी आर तुम्हारे इंसाइट में लिखा है इट इज़ बींग यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू पीसीआर को हम लोग दो जगह यूज़ कर रहे हैं इसको अलग से लिख लो एच पेशेंट में कैंसर पेशेंट में इट इज द पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनेज जेनेटिक डिसऑर्डर इससे जेनेटिक डिसऑर्डर भी पता कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं अब एक आ चुका है हमारा प्रोब ये आर डी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे आपको बोला गया सिंगल स्टैंडर्ड हम लोग डीएनए आरएनए एन लेते हैं उस पर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डाल के उसको हाइब्रिडाइज़ करने को छोड़ देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ में तो आपका अल्टीमेटली इसको मुझे समझाना पड़ेगा इसको छोड़ो एलिसा करा के फिर उसको ब्लैंक स्लाइड पर समझा रहे हैं एलिसा क्या है एलिसा हमारा एंजाइम वो टेस्ट है इसका इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर में दिया इसको लर्न कर लेना ये बेस्ड होता है ये सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिसा किस चीज़ पर बेस्ड होता है ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन पे सिर्फ यहां से एक क्वेश्चन आता है एलिसा से पूरे जीवन में ठीक है यही एक क्वेश्चन आया है एलिसा इज बेस्ड ऑन वॉट एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है बाई पैथोजन कैमरेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन अच्छा एंटीजन में हमारे क्या हो सकता है पहले एलिसा समझ लो एलिसा एलिसा कुछ नहीं है ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि अगर मान लो किसी की बॉडी है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये वर्क करता है अगर ये किसी की बॉडी है इसके अंदर अगर कोई भी एक एंटीजन गया है है ना अगर इसके अंदर कोई भी एंटीजन गया है ये एंटीजन किसी चीज़ का भी हो सकता है किसी भी बीमारी का हो सकता है ठीक है अब ये एंटीजन एंटीजन आपको पता है प्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स वैसे और भी कुछ होते हैं समटाइम्स दे आर जस्ट पॉलीसिक्राइड मॉलिक्यूल ग्लाइको प्रोटीन ठीक है मतलब एंटीजन बोले तो पैथोजन यहाँ पे अगर किसी की बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है डिफेंस में एंटीबॉडी ज़रूर बनाती है तो ये इसी बेसिस पे वर्क करता है और एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंट्रैक्ट करती हैं अगर ये मान लो एंटीजन है ठीक है तो एंटीबॉडी इससे इंट्रैक्ट जरूर करेगी तो हम लोग करते क्या है एक छोटा सा ट्रे लेते हैं ऐसे ट्रे आता है अब मान लो हमें शक है कि इस इंसान को एड्स है तो एड्स के क्या करते हैं इस ट्रे के अंदर ऑलरेडी हम लोग एंटीजन डाल के रखते हैं इसके अंदर एंटीजन ऑलरेडी है एंटीजन है साथ में क्या है कि इसके साथ में आपका एक एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि कलर प्रोड्यूस करेगा ठीक है जब आपके एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा क्या है हमने आपको क्या बोला एक जैसे ट्रे होती आइस जमाने वाली ऐसे ही उसी के सरफेस पे तुम एक ऐसा क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डाल दो और साथ में एंटीजन डाल दो और वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस एक ऐसा होगा कि जब वो एंटीजन हमारा एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा तभी कलर प्रोड्यूस करेगा तो मान लो अगर यहाँ पे आया हमने जो भी सैंपल है अपना डाला पेशेंट का अगर हमें कलर प्रोड्यूस हुआ तो मतलब कि आपका इसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है इसकी बॉडी के अंदर और एंटीबॉडी बनी है मतलब इस इंसान के अंदर बीमारी है नहीं तो एंटीबॉडी नॉर्मली बनती नहीं तभी यहाँ पर आपका क्या हुआ है डिसीज़ हुई है तभी यहाँ पर आपका कलर प्रोड्यूस हुआ है तो ये हमारी ओवरऑल कहानी होती थी यही आपको लिखा है कि, <tosan> कि प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रेक्शन जहाँ पे हम लोग प्रेजेंस ऑफ एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम एंटीबॉडी सिंथेसिस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं दोनों में से कुछ भी मतलब तुम ट्रे में चाहे एंटीजन ले लो और एंटीबॉडी अगर बॉडी में बनी है तो समझ जाएंगे कि हाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करके कलर बना रहा है अगर हमने मान लो एंटीबॉडी ले रखी है तो अगर हमने किसी का सैंपल लेके डाला तो उसकी बॉडी में एंटीजन गया होगा तभी तो सैंपल में आएगा ठीक है तो दोनों में से कुछ भी एक ले लो और दूसरी चीज को चेक कर लो कि वो ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं चाहे एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो दोनों ही हमारी ब्लड में तब तक नहीं प्रेजेंट होंगी किसी की बॉडी में जब तक इन्फेक्शन हुआ नहीं है ठीक है तो दोनों में से एक को तुम ऑलरेडी रख लो और एक को आप ब्लड से चेक कर लो ठीक है तो यही हमारी यहाँ पे कहानी है समझा बॉस अब हम आ जाते हैं प्रोब पे प्रोब की कहानी थोड़ी सी सिंपल है प्रोब क्या होता है प्रोब हमारा होता है एक नोन पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट ठीक है जैसे ये एक डीएनए का सेगमेंट है एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट है ए टी जी सी इसी पर रेडियो एक्टिविटी टैग कर देते हैं हम लोग क्या करते हैं रेडियो एक्टिव से टैगड होता है रेडियो एक्टिव से टैग होने का मतलब है कि ये जहां भी भी अगर इस पे यूवी रेस पड़ेगी तो ग्लो करेगा ठीक है अब ये हमें पता है प्रोब हमने लिया क्या सपोज कि एक इंसान है अब हमको पता है कि इसकी अगर ये सेल है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने कल रखा है तो हमें पता है कि किसी भी डीएनए में किसी भी सेल में क्या जीन का सीक्वेंस होता है ठीक है तो अगर मान लो हमको पता है कि इस इंसान के अंदर जो जीन का सीक्वेंस होना चाहिए नॉर्मल सेल के अंदर वो होना चाहिए ए सॉरी उसके अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए टी ए सी जी तो हम लोग क्या करेंगे उसी हिसाब से प्रोब बना लेंगे प्रोब क्या होता है प्रोब हमें जिसको चेक करना होता है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लोटाइड का सीक्वेंस होता है और कुछ नहीं ह्यूमन जून प्रोजेक्ट से हमें ऑलरेडी पता है कि नॉर्मल बॉडी में क्या जीन का सीक्वेंस होता है तो अब हमने क्या किया हमको पता है कि नॉर्मल जीन नॉर्मल सेल के अंदर ये जीन का सीक्वेंस होता है हमने इसका प्रोब बना लिया अब नॉर्मल नॉर्मल बॉडी के डीएनए को हमने इसके साथ इंट्रोड्यूस करा दिया छोड़ दिया हाइब्रिड होने को तो हाइब्रिडाइज होने को तो अगर क्या होगा टी ए सी जी अगर हमारा जी नॉर्मल ही है तो ये फटाक से इससे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और हमें पूरा पूरा ये स्टेटमेंट पूरा पूरा ग्लो करता हुआ दिख जाएगा तो हमें समझ आएगा अच्छा मतलब कि ये फिर फोटोग्राफिक फिल्म निकालेंगे पूरा पूरा सीक्वेंस हमें दिखेगा लेकिन अगर मान लो इसी में म्यूटेशन हो चुका है सपोज इसी में एक म्यूटेशन हो चुका है तो अब क्या हुआ है अगर ये जान लो गया अगर म्यूटेशन हो चुका है म्यूटेशन पे ये हो चुका है टी सी 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 ये कभी भी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री इट विल नॉट अटैच विद द प्रोब क्यों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्यों, नहीं है तो जब अटैच होगा नहीं नॉर्मली इसके ऊपर तो रेडियोक्टिविटी होती नहीं है तो अगर हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो ये हमें दिखेगा नहीं हमें तभी डीएनए का सीक्वेंस दिखेगा जो प्रोब से अटैच हो जाएगा तो अगर नहीं दिख रहा है मतलब वहां पर म्यूटेशन हो चुका है मतलब वहां पर बीमारी है वही चीज को यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आर एन को हम टैग कर दें मैंने बोला ना न्यूक्लोटाइट सिक्वेंस को रेडियोटिव मॉलिक्यूल से एक्चुअली तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोब इट इज अ नोन सेगमेंट इस चीज को लिख लो इसका सीक्वेंस हमको हम हमेशा पता होता है प्रूव का अलाउड टू हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज मतलब छोड़ दो कि अटैच हो टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएन कॉम्प्लीमेंट्री डीएन पहले पता कर लेते हैं उसी हिसाब से लोग प्रोब बनाते हैं इन अ क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाई डिटेक्शन ऑफ यूजिंग ये हमने हम छोड़ दिया उसके बाद हमने ऑटो रेडियोग्राफी करके चेक की तो जो क्लोन जो हमारा म्यूटेड जीन होगा वो कभी भी हमारा अपीयर नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म पर क्यों क्योंकि म्यूटेट हो चुका है तो वो कॉम्प्लीमेंटरेटी उसकी मैच ही नहीं करेगी प्रोब से क्यों क्योंकि प्रोब तो हम नॉर्मल सेल के सीक्वेंस से बताते हैं तो हमारा फोटोग्राफी फिल्म पर नहीं दिखेगा अगर दिख गया तो समझो कि नॉर्मल है वही बोला गया कि प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेटी विद द म्यूटेटेड जीन तो यहां से एक स्टेटमेंट आता है कि अगर हमारा नॉर्मल फोटोग्राफिक फिल्म पे स्टेटमेंट सीक्वेंस दिख रहा है तो क्या म्यूटेशन हुआ है नहीं यहां से तुम्हें रीजनिंग देखो ये डायग्नोसिस है बहुत छोटा सा बट यहां से रीजनिंग क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते तुमको दे देगा एक सीता एक मीना एक गीता है और दोनों में से एक लोग हैं जिनका सीक्वेंस हमें हमें प्रोब प्रोब चेकिंग के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद दिख रहा है इनका नहीं दिख रहा है बताओ इसमें किसको है जिसको बीमारी हो चुकी है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है या फिर एक है एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन वाला उसको भी देख लेना ये दो तीन चीज़ें हैं आपकी ठीक है तो ये ये कहानी है बॉस और 20 मिनट के अंदर ये होगा नहीं नहीं हो जाना चाहिए वैसे ट्रांसजेनिक एनिमल वैसे कुछ तो है नहीं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वैक्सीन सेफ्टिंग एथिकल इशूज इन में तो वैसे ही दम नहीं खत्म ही कर देते हैं इसको आज कुछ नया चैप्टर करते हैं हो गया बहुत चलिए यही आपको बोला गया कि एनिमल्स जिनका डीएनए अच्छा हमें बोला गया ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल यहाँ पर डेफिनेशन आती है ऐसे एनिमल जिनका हम लोग डीएनए को मैनिपुलेट कर दें और या फिर उनमें कोई नया जीन उठा के डाल दें उसी को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं मार्क्स का डेफिनेशन ही है तुम्हें ठीक थी, है तो ट्रांसजेनिक हमारे पास क्या क्या है रैट रैबिट पिग शीप फिश इतने सारे हैं यहां से क्यों आ सकता है इसमें से कौन सा नहीं है लेकिन 95 परसेंट हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल जो होता है चूहा होता है ये हमारा नीट का पी वाई क्यूज रह चुका है ये हमारा बोट्स का रह चुका है ठीक है कि सबसे ज्यादा कौन है चूहा चूहा कई सबसे ज्यादा हमारे दोस्तों होते हैं उन्हीं पर हम लोग सबसे ज्यादा टेस्टिंग करते हैं वही बोला क्यों हम लोग इनको बनाते हैं हमारा क्या प्रॉफिट है ये वही प्रॉफिट हमको दिया गया है आइए देखते हैं सबसे पहला प्रॉफिट है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट जब हमें किसी का नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट चेक करना होता है तो हम वहाँ पे ये चीज़ करते हैं ठीक है नहीं होगा अरे होगा कराने वाले हमें कैसे नहीं होगा ठीक है तो वही हमें बोला गया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में बोला गया कि जो ट्रांसजेंडिक एनिमल होते हैं वो हमारे स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड उनमें जीन्स कैसे रेगुलेट हो रहे हैं क्या इफेक्ट आ रहे हैं उनके नॉर्मल फंक्शन पे ठीक है आ, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं अच्छा एक बार रीड कर ले तब समझाएं ठीक है, है रीड कर लो जिससे कि हमने एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर कुछ नहीं पागल है लोग ठीक है तो हम आपको थोड़ा समझाते हैं स्टेटमेंट का मतलब क्या है नॉर्मल फिजियोलॉजी इस बहुत घुमा के लिखा हुआ है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट इसमें लोग क्या करते हैं सपोज ये ट्रांसजेनिक चूहा है ठीक है अब हमने क्या किया अब हमको लग रहा है कि ये एक पर्टिकुलर जीन है जिसकी वजह से ग्रोथ होता है तो हमने क्या किया कि हमें चेक करना है कि यार इतने सारे जीन में कौन सा है जो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है कौन सा है जिससे कि कोई बॉडी पार्ट नहीं ग्रो होगा या क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे इस जीन को कट करके निकाल देंगे इस जीन को हमने क्या किया इस जीन को हमने यहां से कट करके निकाल दिया ठीक है अब जो हमने कट करके यहाँ से निकाल दिया तो अगर देखा कि चूहा जैसे ग्रो होता है था वैसे ही ग्रो रहा है मतलब इस जीन का ऐसा कोई रोल नहीं है लेकिन अगर हमने कट करके निकाल दिया तो देखा कि अरे चूहे की तो पूछ नहीं ग्रो रही है कान नहीं ग्रो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये भाई इंपॉर्टेंट है वही सेम चीज़ है वही यहाँ पे आपको बोला गया है कि इन ट्रांसजेंडिक एलिमेंट में हम लोग इस तरीके से डिजाइन होते हैं हम लोग देख सकते हैं कौन सा जीन कैसे वर्क कर रहा है रेगुलेट कैसे हो रहे हैं उनका इफेक्ट क्या हो रहा है उनके नॉर्मल फंक्शनिंग पे ठीक है वही आपको बोला है कि एक हमने जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर ग्रोथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है ठीक है तो अब इसको तुम हटा के देख लो अगर हमें इसको हटाने के बाद भी अगर ग्रोथ हो रही है तो समझ जाएंगे इसका कोई रोल नहीं है लेकिन हमने जब हटाया तो हमने देखा ग्रोथ नहीं हो रही है इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये बोला गया कि बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट अच्छा ये भी एक तरीका होता है कभी कभी तो हम लोग जीन को कट करके निकाल देते हैं या फिर इन एक्टिवेशन कर देते हैं कट के क्यों निकालना है जैसे हमने आपको बताया था कि आखिर किसी और स्पीसीज का है कहीं और पे कोई जीने का टुकड़ा ला डाल दूँ जो तुम्हारा हमने पी यू में किया था वो वाले में ठीक है तो वही यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग को अगर मान लो इस इस जीन का हमें फंक्शन पढ़ना है तो हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया एक जीन को उठाया किसी दूसरे स्पीसीज से और उसको ला जिस इस जिस स्पीसीज में हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें डाला और हमें पता कि हाँ वो जीन डालने की वजह से इसका फंक्शन अल्टर हो जाएगा ठीक है तो वही हमें बोला गया कि फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर इन स्टडिंग द बायोलॉजिकल अफक्ट उसके बाद हमने उस पर इंपैक्ट देख लिया कि भाई इंपैक्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही आ रहा है मतलब असर नहीं है गलत आ रहा है मतलब इसका क्या क्या रोल है जो जो चीज़ें खराब हो नहीं मतलब वो उसका फंक्शन है इन शॉर्ट अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहें तो जैसे अगर आपको पता है कि मम्मी घर पर क्या क्या कर रही हैं तो मैं नॉर्मली नहीं पता चलता यू डोंट इवन नो बट अगर एक दिन दो दिन कहीं चली गई या उनकी तबीयत खराब हो गई तो समझ आता अरे बाप रे कुछ नहीं हो रहा है ना कपड़े मिल रहे हैं ना सामान मिल रहे हैं ना खाने को कुछ है मतलब यू हैव नो आइडिया वॉट इज़ हैपनिंग तो उस टाइम पे मैं क्या पता है उस टाइम पे मैं पता चला हाँ इतनी इतनी इंपॉर्टेंस है हम जैसे लोग कहीं भी चले जाएँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा घर का फंक्शन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा तो इससे क्या होगा कि मतलब हम हम हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं है तो वही सेम चीज़ है कि जीन को चाहे हम कभी कभी हम क्या करें अगर जीन को हम अल्टर कर दें जीन के फंक्शन को हम किसी तरीके से इनएक्टिव कर दें इनएक्टिव करके हम देख लें कि हाँ अच्छा इससे अगर असर हो रहा है मतलब इसका तो बायलॉजिकल इफेक्ट तो होगा अगर मान लो किसी चूहे के अंदर से हमने इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को इनएक्टिवेट कर दिया अब देख रहे हैं कि चूहे की ही नहीं बढ़ रही है तो क्या हुआ उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट तो हुआ तो वही हमें बोला गया कि जब एक बार हम अल्टर कर देते हैं उसके फंक्शन को तो हम उसके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं जो रिजल्ट हैं उसको देखते हैं और उसको हम लोग अल्टीमेटली यूज़ करते हैं इंसानों की बॉडी में क्योंकि हम लोग की बॉडी बहुत रिलेटेड होती है चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ डिसीज स्टडी ऑफ डिसीज में क्या है स्टडी ऑफ डिसीज में देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है यहाँ पे तुम्हें बेटा एक्सप्लेन करने को कम आएगा सबसे ज्यादा तुम्हें पूछा जाएगा कि हेडिंग हेडिंग याद रखो सिर्फ हेडिंग और एग्जाम्पल देकर भी चले जाओगे ना तीन मार्क्स में तुम्हारा हो जाएगा ये पूछा जाता है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हेडिंग की नॉर्मल फिजोलॉजी एंड डेवलपमेंट अच्छा ये ये हम लोग को ट्रांसजेंड एनिमल की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई हम अपने साथ ही खिलवाड़ नहीं करेंगे जीवन के साथ हम दूसरों पर टेस्टिंग करेंगे ठीक है एक मिनट रूप नेक्स्ट स्टडी ऑफ डिसीज़ यहाँ पे आपको बोला कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन होते हैं टू इंक्रीज आर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज़ इनको इनको ये ऐसे स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं कि जो एक मॉडल की तरीके से काम करते हैं ह्यूमन मॉडल्स इनको बोले जाते हैं ठीक है इन पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं जो भी नए ट्रीटमेंट होते हैं डिसीज़ के इन इनपे हम लोग चेक किए जाते हैं आज का जो ट्रांसजेनिक मॉडल जो जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर का है सिस्टिक फाइब्रोसिस का है रिमेटोरेथराइटिस का है एल्जाइमर का है जैसे मान लो कोई भी चीज़ है कि हाँ ये जीन में ऐसा ठीक होगा या ये दवा काम करेगी कि नहीं ऐसे कर देते तो वो हमारे लिए जीन मॉडल होते हैं इनपे हम इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इन्हीं को हम आ, हर चीज़ें हम देख रहे होते हैं तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कुछ नहीं है ट्रांसजेंडिंग एनिमल को बना लो तुम चाहे भालू बना लो बंदर बना लो या फिर तुम खरगोश बना लो शीप बना लो उन उनप टेस्ट करते जाओ जब सक्सेसफुल हो जाए तो दे दो ठीक है नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देखो मेडिसिन वगैरह जो है हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए ठीक है तो लेकिन आपके ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बनाने को ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और एक हैवी अमाउंट बना सकते हैं इनके अंदर वो तुम जीन डाल दो है ना जिसकी वजह से पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है जैसे कि हमने एक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटी वन ट्रिप्स जो इम्फाजिमा को ठीक करता है उसका हमने जीन डाल दिया ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर वो बना रही है उसको एक्सट्रैक्ट कर करके हम लोग बेच कर रहे हैं ठीक है एक और हमने अटेम्प्ट किया था फीनल क्यूटूनिया को ठीक करने के लिए ठीक है और सिस्टिक फाइब्रोसिस को 19 और एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी थी रोजी जो कि हमारी प्रोटीन डिफिशेंसी को ठीक करती है उसके एक लीटर के अंदर 2.4 ग्राम प्रोटीन होती है ठीक है मिल्क के अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि अल्फा लैक्ट एल्बोमिन होती है जो कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होती है और ये वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सही है देन नेचुरल कॉमन मिल्क ठीक है ये जो भी मैंने स्टेटमेंट हाईलाइट किए हैं सारे के सारे लर्न करने को हैं कि हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन कौन से बनाए हैं हमने अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन बनाया है जो इम्फाइजिमा को ठीक करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस और पीकी के लिए कि हमने एक अटेम्प्ट मारा था क्या हुआ उससे वो तुम्हारे में नहीं दिया गया दूसरा रोजी काऊ से हमने क्या बनाई थी एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी नाइनटीन नाइन्टी में 1997 को याद कर लो फट देखो यहाँ पे दो तीन दिया हुआ एक तुम्हें दिया है 1990 नाइनटी दिया एक 1950 फिफ्टी दिया एक 1997 नाइन्टी सेवन दिया तुमने तीन ईयर किया 1950 1990 और ये 1997 ठीक है एक तुम्हारा टिश्यू कल्चर का एक तुम्हारा एडीए का एक तुम्हारा इसका ठीक है तो वही बोला गया और दूसरा ये पूछा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा या रोजी काउ ट्रांसजेनिक काऊ का क्या प्रॉफिट है तो वो तुम्हें याद करना पड़ेगा कौन सी प्रोटीन है ह्यूमन अल्फा लैक टेल वुमेन लैक याद रखो इसको ये डाइजेशन में बहुत आसान है ठीक है बच्चों के लिए बहुत सही होती है वैक्सीन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो वैक्सीन सेफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं वही टेस्टिंग ट्रांसजेंडिंग जो चूहे होते हैं जब भी हम कोई दवा वगैरह बनाते हैं वैक्सीन वगैरह तो ह्यूमन के यूज़ के पहले उन पर हम लोग टेस्ट करते हैं ठीक है जैसे पोलियो की वैक्सीन हुई तो हमने देखा सक्सेसफुल है रिलाईलेबल है फिर हम लोग बाद में चूहे के बाद फिर हम लोग किस पे टेस्ट करते हैं मंकी पे टेस्ट करते हैं ठीक है और फिर मंकी के बाद अल्टीमेटली हम पे आता है और भी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं ड्र, इवन ड्रग्स वगैरह भी टेस्ट करते हैं पता है मैंने आपको बताया ताकि हम लोग को ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ना था बहुत सारे भी अभी भी चल रहा है कि दारू पिलाए जा रहे हैं सुट्टा खिलाए जा रहा है ब, बंदरों को कि उससे हमें पता चले कि कैसे ख़राब होती है लीवर या कैसे आपकी चीज़ें होती है उस हिसाब से हम दवाइयाँ बना सकें ठीक है तो यही यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट चाइनीज़ चाइनीज़ बोल रहे हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है ये हमें बोला गया कि इसमें हम लोग टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं ठीक है ड्रग्स की जो मैंने आपको बताया ट्रांसजेनिक एनिमल ड्रग्स एक दवा के फॉर्म में भी ड्रग्स को बोल सकते हो या नॉर्मल ड्रग्स भी टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल को हम लोग क्या करते हैं उसके जीन्स बनाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं आपको पता है नॉर्मल ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अलावा तो हमें इफेक्ट जल्दी दिखता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसको याद रखना जैसे कि मान लो जो इफेक्ट इंसानों में दस साल के ऊपर होगा हम लोग इनको इस तरीके से बना देते हैं कि वो उनमें चार महीने छः महीने में हमें उन पर इफेक्ट दिख जाएगा तो हमें टॉक्सिसिटी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है तो हमारा टाइम बच जाता है ये बहुत अच्छी चीज़ है इसको कर लो एथिकल इशूज़ पर अगर हम आ जाते हैं एथिकल इशूज़ बहुत अच्छा है यहाँ पर कुछ खास नहीं है एथिकल इशूज़ में बोला गया कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं हम लोग मैन्युपुलेशन कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाई द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर यही बोला गया बाप रे विदाउट रेगुलेशन मतलब हम लोग इतना ज़्यादा इसमें कर सकते हैं कि अगर हम पे कोई इथिकल स्टैंडर्ड ना हो तो हम कुछ भी कर डालें ठीक है तो वही बोला गया है कि हम मॉरलिटी वगैरह को भूल जाए इंसान और हम लिविंग organism को बहुत ज़्यादा हार्म कर दें इसलिए कुछ तो लिमिट होनी चाहिए तो हम सब पे सबका जीनी उठा के हम तो इंसानों पर टेस्ट कर डालें खैर गोइंग बियॉन्ड द मॉरलिटी ऑफ सच इशू बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से हमारे लिए बनाना भी जरूरी है तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को करने के लिए बहुत ही बार अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ जाते हैं जैसे कि ऑर्गेनिज्म में इकोसिस्टम देखो ये ड्रॉबैक ये, 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 है ये ड्रॉबैक है ऑफ जीएमओ या ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे बहुत बार हमने कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया या कोई जीन हमने निकाल दिया उससे स्पीसीज ही बदल जाती कोई ख़तरनाक स्पीसीज बन जाए इतने जितने भी वो सारे बने हैं साईफाई वाले बने हैं बहुत सारे उसमें मूवीज़ बने हैं तो वो एक्चुअली हो सकता है तो वही हमें बोला गया इस वजह से हमने एक कमेटी बना रखी है जी ए सी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी और ये आपकी क्या करती है वैलीडेट करती कौन सा जी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च होगा कौन सा नहीं होगा कौन से ऑर्गेनिज्म कब हम पब्लिक सर्विस के लॉन्च करेंगे कौन सा हम नहीं लॉन्च करेंगे ठीक है अब आगे बोला गया है कि आ, द मॉडिफिकेशन इंड यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेजन पब्लिक सर्विस सचेस फूड मेडिसिन ये बोला कि हम लोग यही सारी चीजें ना हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना है इसी वजह से हम जो है क्या करते हैं हम जी एम ओ जेनटिक मोडिफाइड क्रॉप बनाते जा रहे हैं और हमें पेटेंट मिलते जा रहे हैं आगे आते हैं यही आपको बोला गया कि लेकिन एक देर इज़ अ पब्लिक देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट कंटेंस कंपनीज़ आर बींग ये बोला लोग इस बारे में बहुत गुस्सा आ रहे हैं क्या गुस्सा आ रहे हैं कि भाई जो कंपनीज़ हैं वो पेटेंट ले ले रहे हैं प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजीज़ का और जिसकी वजह से मतलब और पता कॉस्टली भी होते जा रहे हैं ठीक है और जो कि हम लोग के पास ये क्या कहानी बता रहे पूरी कहानी है इसको तुम लोग खुद से रिलेड कर सकते हो यहाँ पे बोला गया कि देखो हम लोग के यहाँ पे जो बहुत सारे पुराने जमाने से हमारे यहाँ पे हुआ करता था हमारे यहाँ हल्दी हमारे यहाँ तुलसी पता नहीं किस जमाने से हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कंपनीज उसको ले ले रही पेटेंट फिर प्रोडक्ट महंगे हो रहे बोल रहे तो हमने लॉन्च किया तो हमने ढूंढा तो वो पागलपनी तो है तो वही बोला है कि जो फार्मर्स बहुत दिन से इंडिजिनस जो हमारा इंडिजिनस है इंडिजिनस मतलब जो इंडिया के लोग हैं जहाँ के हैं उसको एक हर एक स्पेसिफिक रीज़न में कल्चर में जो चीज़ ऑलरेडी यूज़ हो रही है उसको कंपनीज खरीद ले रही हैं और फिर हमें ही उल्टे दाम में बेकरी हम है हमको कह रहे हैं भाई तुम अगर इस पेड़ को लगाओगे कॉमर्शियली बेचोगे तुम पे ही केस कर देंगे तो तो सरासर ना इंसाफ़ी है ना तो वही है इसी वजह से बोला गया है कि एक राइस है राइस एक इंपॉर्टेंट फ्रूट ग्रेन है जो कि हमारे यहाँ बहुत सालों पहले से है एशिया के एग्रीकल्चर की, की हिस्ट्री में तो वही बोला गया है कि इसकी हमारे पास लगभग दो लाख वराइटीज़ हैं इंडिया के अंदर ठीक है डाइवर्सिटी राइस की इंडिया के अंदर रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ये देखो एक ये देखो डाइवर्सिटी का क्वेश्चन डाइवर्सिटी में ना देखें यहाँ दिया गया है और बायोडावर्सिटी में पूछेगा तुम भूलोगे तुम्हें लगेगा ये कहाँ से आ गया हम लोग को वहाँ पर राइस की वैरायटी कम दी है इस चीज़ को देख लो हम लोग को वहाँ पर राइस की वैरायटी कितनी दी है अच्छा हम लोग को स्पीसीज दिया है देखो दो चीज़ में ध्यान दो हमारे वहाँ पर एक हमारा बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन पर राइस दिया है आई थिंक फिफ्टी थाउजेंड दिया है वो स्पीसीज दिया है यहाँ पर वरायटी दी है दो लाख तो इस चीज़ को गड़बड़ मत करना बासमती राइस बासमती राइस का एक स्पेसिफिक एरोमा है बहुत अच्छी खुशबू है बहुत अच्छा फ्लेवर है ट्वेंटी सेवन डॉक्यूमेंटेड बा, बासमती की राइस तो हमारे यहाँ पर ही ग्रो होती है इस वजह से बासमती को हमारे यहाँ बहुत पुरानी बुक में बहुत सारी कथाओं में बहुत सारे गानों में बहुत सारी कविताओं में तुम सुनोगे नाइनटीन में एक अमेरिकन कंपनी आई उसका हक ले ली पेटेंट पेटेंट मतलब अपने नाम करवाना अपने नाम करवा ली बासमती राइस को यूएस पेटेंट के थ्रू और उसका अपना ट्रेडमार्क बना ली बोली ये तो हमारा है और इसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अपनी उसको बेचने लगी उसका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके बहुत हाई प्राइस में तो वही बोला गया कि यू एस अब्रॉड में जो न्यू वैरायटी बासमती की बनी थी वो एक्चुअली इंडिया के जो फार्मर्स की वैरायटी उन्हीं से डिराइव थी ठीक है तो इंडियन बासमती को फिर क्रॉस करा दिया गया था सेमी ही डॉफ वराइटी से और उसके बाद हमने बता दिया था अरे ये तो इन्वेंशन है ठीक है इसे बिलकूप बनाया गया था ये पूछा जा सकता है कि जो यूएस ने पेटेंट किया था वो किसका किसका क्रॉस करके बनाया था विद द इंडिया की इंडियन बासमती ठीक है तो वही बोला कि जो पेटेंट है, जो पेटेंट पेटेंट है है एक्सटेंडेड टू फंक्शनल उसके बाद तो फिर क्या हुआ फिर उनको लगा अब तो हम सब ले लेंगे ठीक है तो वही बोला कि इस इसमें क्या हुआ कि यही बोला गया कि ये पेटेंट में ऐसा भी था कि ये भी इंप्लाई कर सकते थे कि जो बासमती राइस है वो हम लोग को बेचने से मना कर देते ठीक है सोच रहे हो तो वही बोला गया बहुत सारे अटेम्प्ट हमने बनाए और सारे पेटेंट को लेने के लिए जैसे कि इंडिया से उनको हर्बल मेडिसिन जैसे हल्दी हो गई नीम हो गया ठीक है इफ़ नॉट विजिलेंट एंड वी डू इमीडिएटली काउंटर अगर हम हिस्ट्रीज को नहीं करते तो हमारी अदर कंट्रीज और भी सब बहुत सारे पैसे इन कैश करती और हमारी जो रिज लेगेसी है उसको लूट ले जाती और हम गरीब हो जाते और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे ठीक है तो हमने एक लॉ लाया बायो पैसे खैर हम लोग नहीं लाए ये रिफर करती है कि अगर कोई बायो तो रिस उसको चुराए ये वन मार्क्स का डिफिनेशन आती है ठीक है कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर हमारे बिना प्रॉपर अथोराइजेशन के अगर उसको ले और उसको बेचे बिना कंपेसिटरी पेमेंट दे तो उसे चोरी बोलेंगे बाय प्रोडक्ट्स की चोरी बोलने को वही बोला कि बहुत सारे नेशंस हमारी जो फाइनेंशियली बहुत रिच हैं बट पुअर इन डाइवर्सिटी क्या है कि देखो पैसे उनके पास उनके पास पास बहुत हैं बट डायवर्सिटी नहीं है और हम लोग एक ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास पैसे कम हैं ठीक है लेकिन बायोडावर्सिटी बहुत अच्छा है हमारे तो पास बायो रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर तो हम गए ठीक है तो वही बोला गया कि हमारे पास पैसा वैसा भले नहीं है बट हमारे पास है वहां से तुम्हें सिर्फ वो बायोपायरेसी बायोपेटेंसी तुम्हें याद रखना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं है ठीक है यहां से आपको क्या करना है यहाँ पे आप इसको पढ़ लो तो फिर हमें बाद में पता चला कि भाई ये तो हमारे पास इनजस्टिड हो रहा है हमें कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है है ना तो उसके बाद हमने फिर उस पर केस उस करना शुरू किया फिर हमारे पास हमने एक अमेंडमेंट बिल लाया इंडियन पार्लियामेंट ने भी रिसेंटली निकाला ठीक है इसका क्या कर रहे हैं भगवान जाने बट चल तो रहा है ठीक है कि जिसकी वजह से हम लोग को इम्पैक्ट मिल रहा है आप जाके अपना पेटेंट करा सकते हो इंग्लैंड वाले अमेरिका वाले कहीं वाले भी हूं तो चैप्टर खत्म हो गया इसको एक बार रीड कर लेना जो भी डाउट हो, मुझे बता देना ठीक है, बस। एक बार के लिए लास्ट पैराग्राफ ढंग से पढ़ लेना और हम चले देखें आपके लिए क्या क्या, क्या किया जा सकता है अपकमिंग मंथ में कुछ प्लान्स बना लें आपके बाकी सब्जेक्ट्स के और चीज़ों के ठीक है चलो दादाज बाय बाय देखो मैंने दो बजे से तीन बजे से पहले ख़त्म कर दिया तो अंडरस्टिमेट नेवर अंडस्टिमेट स्पीड ऑफ निकिता मैम ये क्वेश्चंस देख लो एक बार के लिए इसमें कुछ डाउट है लग रहा है तो पूछ लो अगर इसमें कुछ डाउट तुम्हें लग रहा है तो पूछो फटाफट से पूछो भाई फटाफट से पूछो ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें अपनी एनसीईआरटी ओपन करके बैक एक्सरसाइज देखो फटाक से क्वेश्चन कहां गए हाँ ये क्वेश्चन ये है क्वेश्चन टॉक्सिन इमेच्योर इनएक्टिव क्यों होता है कोलाई e. और फिर मुझे बता देना क्या है तुम लोग के क्वेश्चंस वैसे हम करा चुके हैं अच्छा कि इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों की तुम लोग का अनलॉक आ चुका है ठीक है ट्वेंटी परसेंट ऑफ का कब से शुरू हुए इलेवन से सिक्सटीन तक का कॉल कर लेना जो भी सवाल हो पूछ लेना अपने जीवन की सारी समस्याएं जितनी भी हैं उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले लेना देखो समझो तुम्हें नंबर भी दे दिया गया है बता देना अपने जीवन का गम दीट इशिता हाँ तीन बजे है ना मेरे को आठ मिनट है अनलॉक हंड्रेड कब आएगा हम लाएंगे जल्दी अनलॉक हंड्रेड उम्मीद है बस दस बीस दिन के अंदर अंदर स्पेशल लॉन्च ठीक है जेनेटिक्स जेनेटिक्स के लिए लाएंगे जेनेटिक्स की वन शॉट एकदम मस्त लाइव तीन चार घंटे बैठ के लगातार प्लस मॉलिकुलर बायो के उसमें करेंगे अनलॉक हंड्रेड हाँ क्या गलत लग रहा है इसमें क्या गलत है इतना अच्छा है नीता लाइव कोड लगाओ अरे नहीं सच बोल रहे हैं <laughs> पूरे दस साल का कोर्स लेंगे <laughs> ले लेना अरे नहीं हम यूट्यूब पे कराएंगे ना जेनेटिक्स का लाइव वन शॉट तो वो फ्री होगा तो हो गया ना हंड्रेड परसेंट अनलॉक नहीं मेरी बातें एकदम सच है बस समझो इशारा <laughs> तो सब सही है हाँ क्योंकि मेरे को है कि आ, मतलब एक दिन ऐसे बैठेंगे सुबह से शाम तक सब नोट्स एकदम साथ में शॉर्ट नोट बनवाएंगे एकदम तुम लोग का संडे पूरा मतलब बैंड बजाएंगे एक दिन जेनेटिक्स करके और नेक्स्ट डे फिर टेस्ट 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 डीपीपी डीपीपी पी, दिपी पी, पी फिर पूरा पंद्रह दिन दस दिन दस दिन नहीं सात दिन एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी जेनेटिक्स यूनिट कवर हाँ तो बस यही प्लान है बस मेरा प्लान हो जाए वो जल्द से जल्द करने का है बट प्लान में रुकावटें आ रही हैं बस जल्दी से फिंगर्स क्रॉस पूरी हो जाए तो सब बढ़िया है प्लान तुम लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है तुम लोग का जून तक का प्लान मेरा बहुत अच्छा है मतलब बायो की जितनी हम गारंटी ले सकते हैं चलो बाय बाय सी यू गुड नाइट बच्चों अब चलें हम अच्छा हम पता है हम, हम क्लास बंद करने जा रहे हैं कि ठीक है हम बंद कर दें उसके बाद हम यहाँ से चले जाएँ और सेशन ना बंद करें क्या हुआ है मुझे ठीक है बाय